हेलो दोस्तों, आज फ्यूचर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर से रिलेटेड स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स है, केवल आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सही समय पर सही तरह से अगर आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे तो आपको बेहतर और शानदार रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों, ये स्टॉक आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और ये बीपीओ सेंटर्स चलाता है। बीपीओ जिसका बेसिकली कोर बिजनेस है कस्टमर केयर का, और ये स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है एक बार, और अगेन एक बार हम लोग इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के बेसिक चार्ट को देखेंगे। ये हमारा मंथली चार्ट है यहाँ पर, और यहाँ से मैं देखूँगा कि जो इसका अपसाइड का डायरेक्शन है, जो अपसाइड है मैक्सिमम, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस या हर्डल हम मान सकते हैं, वो लगभग 76 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि स्टॉक अभी 62 रुपीज़ 65 पैसा पर ट्रेड कर रहा है। एक बार 76 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, देन इसमें एक बुलिशनेस आपको नज़र आएगी और 100 प्लस बहुत जल्दी क्रॉस करेगा, ठीक है। बट जब तक कि ये 76 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और उसका जो रेंज का जो लेवल रहेगा वो तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊंगा, तो वो एटलीस्ट रहना चाहिए लगभग 52 रुपीज़ से लेके और 75 रुपीज़ के बीच में। यानी कि डाउन साइड में जो अगर हम गिरावट इसको देखते हैं, अगर स्टिल मार्केट में निफ्टी में कुछ और बड़ा करेक्शन आता है डाउन साइड की तरफ, तो ये स्टॉक 53-54 की रेंज में वापस आपको दिखाई दे सकता है। जहाँ पर अगर आपको ये मिलता है 52-53 के आसपास, तो डेफिनेटली आप इसकी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। शानदार स्टॉक है, आपको फ्यूचर में ज़बरदस्त मुनाफा भी देगा। बट स्टॉक में बल्क बाइंग मत कीजिए, किसी भी स्टॉक में बल्क बाइंग मत कीजिए। कोशिश कीजिए SIP लगाइए, हर महीने 200-100-200। अगर कम वैल्यू के स्टॉक है तो 100-200 शेयर्स, और ज़्यादा वैल्यू के स्टॉक है तो 5-10 शेयर्स, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसमें निवेश करते रहिए। फिलहाल जो अगर डेली चार्ट की बात करता हूँ, तो जो मुझे रेजिस्टेंस अभी नज़र आता है वो लगभग 65-50 का आता है। तो एक बार 65 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर की क्लोजिंग आएगी, तो हमें 70 रुपीज़ भी इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल इसका जो फंडामेंटल्स को एक बार देखेंगे हम लोग, सो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का आप देखेंगे लगभग 12.41 की पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इंडस्ट्री पी लगभग 16.73 की है। साथ ही अगर इस स्टॉक का नेम देखेंगे आप, तो BSE का कोड, NSE का कोड है FSL, और BSE का कोड है 532809। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मीडियम स्मॉल सेक्टर का लिस्टेड कंपनी है, ओके। इसके अलावा लगभग 4336 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, 5 के आसपास की EPS है स्टॉक की, और जो प्राइस टू बुक है 1.85 है। यानी कि बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस पर इस वक्त अवेलेबल है स्टॉक में। जहां से यहां से गिरावट बहुत सीमित है, 5-7-8 रुपए की मैक्सिमम गिरावट मुझे नज़र आती है। अगर मार्केट थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करता तो मैक्सिमम 10 रुपए की, यानी कि 52-53 रुपए तक मैक्सिमम आपको ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। बट उससे नीचे बहुत ही रेयर चांसेस हैं जाने के इसके, ठीक है। 10 रुपए की फेस वैल्यू पर एक बहुत सस्ता शेयर इस वक्त आपको मिल रहा है, और अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो 33.96 की है। शेयर होल्डिंग की बात कर लीजिए आप, शेयर होल्डिंग में लगभग अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 54% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स का 3.5% का स्टेक, फाइनेंशियल बैंक्स का 4.7% एंड QFIs का 12.87% स्टेक है। तो ओवरऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन की भी लगभग 22% के आसपास की होल्डिंग है, इंडिविजुअल लगभग 21% के आसपास होल्ड करते हैं, और एनी अदर्स के पास लगभग 3% का स्टेक है। इसके अलावा अगर आप एनुअल नंबर्स और जून क्वार्टर के नंबर्स को देखेंगे, बिकॉज अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, तो एक बार हम लोग एनुअल नंबर्स देख लेते हैं। मार्च 18 में कंपनी ने कैसे नंबर पोस्ट किए थे। अगर सेल्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्स में एक गिरावट आई मार्च में, 762 करोड़ की, जबकि लास्ट ईयर मार्च में 840 करोड़ के आसपास की जो सेल्स थी वो कंपनी की रही थी। वहीं प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। पिछले साल 218 करोड़ का था, 218.75 करोड़ का, और इस बार 219.26 करोड़ का, तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव आप मान सकते हैं। बट ओवरऑल जो टॉप लाइन है उसमें कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर जून क्वार्टर की नंबर बात करते हैं, तो जून क्वार्टर में भी दबाव देखने को मिला है। स्टिल 217 करोड़ के आसपास का लास्ट ईयर जून क्वार्टर में इनका टोटल सेल्स था, जबकि इस वर्ष जो सेल्स रहा है 189 करोड़ के आसपास का रहा है। अगर YOY की बात करते हैं, तो जून टू जून क्वार्टर में तो गिरावट है, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं, तो मार्च टू जून क्वार्टर में कंपनी की जो टॉप लाइन है उसमें इंक्रीज हुआ है।
ठीक है। साथ ही अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जून में लगभग 58.8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और इस बार 57.19 यानी फ्लैट टू नेगेटिव थोड़ा सा रहा है प्रॉफिट YoY पे, जबकि QoQ पे मार्च क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव्ड किया है कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक में फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए स्टिल दबाव रह सकता है और यही समय है जब उचित है आपके लिए इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाने का। और मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में इस वक्त पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं और अगले 6 से 12 महीने के लिए आप इसमें SIP में के थ्रू निवेश करते हैं 50 या 100 शेयर्स में, तो आपके पास लगभग 1000 से 1200 शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी इस स्टॉक में और आप फिर इसको लगभग अगले 2-2.5 साल के लिए होल्ड करके छोड़िए। ये स्टॉक आपको लगभग 180 से 230 के आसपास का प्राइस डेफिनेटली शो कर सकता है। सो ओवरऑल यहाँ से आपको लगभग 3 से 4 गुना के प्रॉफिट की उम्मीद इस स्टॉक से हो सकती है और ये स्टॉक आपको दे भी सकता है। तो ये हमने बात की फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जो कि फ्यूचर का एक वैल्यू ओरिएंटेड और बहुत ही लो वैल्यू प्राइस स्टॉक है और आपको एक अच्छे रिटर्न की गारंटी भी डेफिनेटली ये स्टॉक देता है। तो दोस्तों जस्ट फोकस करने की ज़रूरत है अच्छे शेयर्स पर, लोअर लेवल्स पर, अच्छे फंडामेंटल के साथ आप निवेश कीजिएगा, पोजीशन को होल्ड कीजिएगा अगले 2 से 3 साल के लिए और एक अच्छा मुनाफा आप ज़रूर कमाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन पर अपनी नज़र बना कर रखें, अपनी एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो डिसीजन आप लोग डेफिनेटली ले सकते हैं।